बिहार स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जमुई जिले में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज स्कूली बच्चों के द्वारा सुबह समाहरणालय परिसर से प्रभात फेरी निकाल कर किया गया। बिहार दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन के द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जमुई स्थित शिल्पा विवाह भवन में कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। बिहार दिवस के उपलक्ष्य में आज शिल्पा विवाह भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत बिहार गौरव गान के साथ की गई। उसके उपरांत जिले भर के अलग अलग सरकारी विद्यालय से आए छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गानों पर अपनी प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छात्राओं ने बिहार गौरव गान पर अपनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोहा। वहीं उत्क्रमित मध्य विद्यालय दिघौत अलीगंज की छात्राओं ने वीरांगना झांसी की रानी की शौर्य गाथा पर शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में नवोदय विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जमुई के छात्र छात्राओं ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और लखनऊ के प्रख्यात कथक नृत्यांगना डॉ. सुभ्रा अरोड़ा ने श्री कृष्ण राधा लीला पर बेहतरीन धार्मिक प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इसके साथ ही शिल्पा विवाह भवन में व्यंजन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रखंड की आंगनबाड़ी सेविका एवं विद्यालय की छात्राओं के द्वारा पोषण युक्त स्थानीय व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया। जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह द्वारा व्यंजन मेले का निरीक्षण कर आंगनबाड़ी सेविका एवं विद्यालय के छात्रों के द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट पोषण व्यंजनों का स्वाद चखकर आंगनबाड़ी सेविका एवं विद्यालय के छात्र छात्राओं की प्रशंसा की। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बेहतर प्रस्तुति प्रस्तुत करने वाले स्कूली छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान आशा कार्यकर्ताओं को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए स्मार्ट मोबाइल फोन का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिले भर के वरीय पदाधिकारियों समेत सैकड़ों की संख्या में जिलेवासी उपस्थित। बिहार दिवस के अवसर पर पूरे जिले में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रखे गए हैं। यहाँ पर शिल्पा विवाह भवन में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, जिसमें हमारे सरकारी विद्यालयों के बच्चों के द्वारा, जिसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राएँ सम्मिलित हैं, प्राइवेट स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। इसी प्रकार से बनारस एवं लखनऊ घराना के आए हुए बड़े कलाकारों के द्वारा कथक नृत्य को भी प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि व्यंजन मेला लगाया जा रहा है। हमारे सभी 10 प्रखंडों से आंगनबाड़ी 10 प्रोजेक्ट से बहुत ही अच्छे नए नए प्रकार के व्यंजन जो पोषण तत्वों से भरपूर हैं, उनका डिस्प्ले किया गया है। हमारे विभिन्न सरकारी विद्यालय बरहट के गूगल डी और कृत्यानंद, वहाँ की बच्चियों के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा बहुत ही अच्छे प्रकार के स्टॉल भी यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा पूरे ज़िले में सभी प्रखंडों में जितने भी महादलित टोले हैं विभिन्न, सभी में मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सारे प्रखंडों में सुबह के समय में प्रभात फेरी हुआ है, सभी विद्यालयों में बिहार दिवस का गायन हुआ है। तो इस प्रकार से विविध कार्यक्रम पूरे ज़िले में आयोजित किए गए हैं। कल भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे और परसों फुटबॉल मैच होगा महिला टीम का। इस प्रकार से 3 दिवसीय कार्यक्रम है एक नए उत्साह के साथ, और अपने बिहार दिवस के शुभ अवसर पर अपने राज्य के प्रति गरिमा की भावना के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता हुआ ये समारोह संपन्न। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर